तो दोस्तों अभी हमने कुछ सब कुछ कर भी लिया है, मतलब सब कुछ कर लिया मैं तो दोस्तों अभी सब कुछ मतलब खा पी लिया है और अब हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मयंक किशोर फिल्म ब्लॉग्स में। और आज मतलब 7-8 महीनों के बाद ही हम लोग मिल रहे हैं। ये आदि, येरा, दीपक और बबलू और जावेद सर भी आ रहे हैं। मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब ये जगह देख के राजीव चौक आप भी देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कहाँ हम लोग आ चुके हैं। मतलब पहले लगातार आते थे ना, और आज मतलब ऐसा हुआ है कि लेकिन अभी बहुत अच्छा मतलब प्लान है। दीपक पार्टी देने वाला है, पूरा खिलाने पिलाने वाला है, मतलब मैं भी कुछ खिलाने पिलाने वाला हूँ। तो जो भी होगा सब कुछ आप देखेंगे वीडियो में, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। तो दोस्तों बबलू भी आ चुका है, ये रहा बबलू। हेलो, और हम सबकी तरफ से आप लोगों को आज क्या है, इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम लोग दोस्तों अब सभी लोग आ चुके हैं, अब मतलब बबलू, दीपक, जावेद सर, आदि, मैं, अब मतलब पांचों आ चुके हैं और हम पांच मिलकर करेंगे आज यहाँ पर मस्ती वस्ती, खाएंगे पियेंगे। और देखिए सबसे पतला मतलब मैं ही, सबसे पतला इसे मैं ही लग रहा हूँ देखने में। दोस्तों आपको ना ऐसी चीज दिखाने, दोस्तों आज मैं आपको ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जो गर्मी में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा यूज होती है। आप लोग गेस कीजिए वो क्या है। वो है ये पानी की बोतल, मतलब इसकी वैल्यू ऐसी है क्योंकि लोग इसकी बहुत ज्यादा है। और अभी हम लोग कचौड़ी खा रहे हैं। आपका नाम काकू कचौड़ी, यहाँ पे काकू कचौड़ी नाम से बहुत फेमस है। तो ये आदि यहाँ पे खा रहा है, जब भी आप लोग यहाँ पे आइए तो खाइए, हनुमान मंदिर के पास में है। और ये जावेद सर खा रहे हैं, बबलू, और ये दीपक। कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा टेस्ट है, गरम गरम गर्मियों के दिन में गरम गरम और ठंडा ठंडा पानी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पर थोड़ा रुके हैं, मतलब यहाँ पे काफ़ी सुंदर हवा आ रही है और देखिए सब लोग मतलब यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी जैसे हमने कचौड़ी खाई तो काफ़ी गरम गरम सा लग रहा था, तो तक गर्मी कैसे निकले कैसे निकले, तो आइडिया आया कि पेड़ की हवा खा लेते हैं। अब देखिए मतलब काफ़ी पतला हो गया हूँ मैं, देखिए हाँ निकले हुए नहीं। दोस्तों आप देखिए दीपक मतलब बिल्कुल मतलब इतना पतला, ये है काकू कचौड़ी वाला, काकू कचौड़ी वाला के पास में खड़े हैं। ये देखिए गणेश जी मंदिर, हनुमान ना, गणेश जी मंदिर। दोस्तों ये पीछे है गणेश जी मंदिर, और जब भी आप लोग कभी कांट प्लेस आए तो यहाँ पर आइएगा और मेरा नाम लीजिएगा मयंक किशोर फिल्म्स का, तो आपको बोलेंगे हाँ जी हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। हाँ दोस्तों देखिए अब मेरे पीछे क्या है, हमारा नेशनल फ्लैग। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो फ्लैग है पूरा काफ़ी अच्छा लग रहा है और सब लोग जो है फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। देखिए आदि, जावेद सर, दीपक, बबलू सब लोग यहाँ पे क्लिक करा रहे हैं। और दीपक सोच रहा है कि मैं फ़ोटो लूँ या ना लूँ। नहीं ले लिया मैंने फ़ोटो, 10 मिनट का एक वीडियो बनाया। हाँ मतलब यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छी लुक आ रही है अब देखिए, लेकिन पंगा ये है कि जब फोटो ये आ रहा है तो हम लोग नहीं आ रहे, हम लोग आ रहे तो ये नहीं आ रहा। तो दोस्तों अभी हमने कुछ सब कुछ कर भी लिया है, मतलब सब कुछ कर लिया मैं। तो दोस्तों अभी सब कुछ मतलब खा पी लिया है और अब सबसे पूछते हैं कि क्या क्या सबकी राय है, मतलब बहुत दिनों मिलने के बाद। पहले पूछते हैं आदि से। भाई पिछले साल तो हम मिले नहीं, कोरोना था। ये तो मेरे घर आए थे ये और दीपक, तो हम 6 महीने बाद मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है और हम ज़्यादा मिलते रहे हैं। हाँ मतलब भगवान की कृपा से बस ये कोरोना वायरस ना हो, कोरोना वायरस ना हो, लॉकडाउन ना हो, ये कम से कम मिल सके। अगली बार हम मिलेंगे मैं इनकी शादी हो है ना, आपका आप भी आना चलेंगे यार। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड था जब घर से निकला था, चलो दोस्तों के साथ मिलूँगा। हालांकि ये 1 वीक पहले से ही हमारी प्लानिंग थी मिलने की, फिर भी ये आज बहुत जैसे ही हम मिले काफ़ी खुश हो गया। और मिलने के बाद हम काफ़ी मज़े किए, घूमे फिरे, खाना भी खाए, कचौड़ी जो फेमस था और हम पहले जो आए थे उसकी यादें ताज़ा हो गई मिलने के बाद। फिर ऐसे ही मिलते रहे, काफ़ी अच्छा अगर सिचुएशन रहा तो इसी तरह। चलो थैंक यू, बहुत दिनों के बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और जब चाहते हैं कि लॉकडाउन हो फिर से या फिर सही नॉर्मल रहे? बिल्कुल नहीं। तो कैसा लग रहा है बहुत दिनों बाद मिलकर? बहुत अच्छा लग रहा है, और पीछे देखो कितना बढ़िया लग रहा है।
पीछे देखो पीछे कितना अच्छा लग रहा है। अब मतलब पीछे लाइटिंग भी काफी जल गई है तिरंगे की, थोड़ा नॉर्मल तो हो गया है। अब पीछे थोड़ा मतलब यहाँ पंगा हो गया था तो काफी लोग जा रहे हैं भीड़ में, बट अभी फिर भी काफी नॉर्मल है। अब अभी बजे 6:35, बट अभी क्या हो गया काफी जल्दी हम थक गए आज, तो मैं भी जल्दी हम निकल जाएंगे यहाँ से थोड़ा बहुत घूम के। अच्छा, क्या आप लोगों को सबके बता दो रिएक्शन कैसा कैसा आ रहा है तो दिखा देता हूँ। फाइनली अब हम लोग रह रहे हैं, थंबनेल पे जो फोटो आप देखेंगे वो सब लोग बैठ गए हैं, मैं भी यहाँ पे जाऊँगा अभी तो एक फोटो लेंगे, मतलब वही आपको थंबनेल पे देखने को मिलेगी। तो हम लोग अभी गेट नंबर 5 पे हैं और यहाँ पर फोटो लेंगे। तो अभी हम लोग क्या है कि मेट्रो पे खड़े हैं गेट नंबर 5 पे, और आज को मतलब मोस्टली लोग तो निकल जाते हैं किस हर गेट से, बट अभी क्या हो रहा है कि सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर देखते हैं, और हम लोग यहाँ पे खड़े तो हमसे पूछते हैं कि कहाँ से जाना है। तो भी क्या हुआ, एक भैया यहाँ से गए, मतलब फोन में बात करते करते जा रहे थे और शटर जबकि बंद है आधे ज़्यादा, फिर भी वो चले गए नीचे तक, वो लौट के आए हैं और हम लोग बस सोच रहे हैं कि हमसे पूछेंगे कब, मतलब कहाँ कौन से नंबर गेट पे जाना है। तो मतलब ये वाली डिफिकल्टीज आज के दिन हो रही है लोगों को, और मेट्रो मतलब काफ़ी भरी हुई है आज के दिन, लाइन ज़्यादा, हाँ लाइन बहुत ज़्यादा मतलब वो है, या तो लंबी लंबी है, लंबी भंडारे की लाइन होती है भंडारे वाली, कुछ वैसा मतलब फील हो रहा है। दीपक सोच रहा है कि उसकी दीपक रेडी है बताने के लिए कि कोई भी आ रहा है वो बता रहा है 7 नंबर। वीआईपी एंट्री भी करवाते हैं, अगर किसी को जाना हो तो बताओ। दोस्तों अब जाने का टाइम हो गया है, अब जाने बहुत टाइम मतलब नजदीक है। देखिए दोस्तों, ये हमारी जिंदगी का पार्ट है, मतलब मास्क इसके बिना ना शक्ल अजीब से लगती है, बड़ी शक्ल। अब ठीक है, अब पहचान में आ रहा हूँ। बाय, चला दी बाय। क्यों जा रहा है 12 खंबा? ये 12 खंबा क्यों जा रहे दीपक भाई? यहाँ पे इतनी लंबी लाइन है, 200 की लाइन है, इसलिए जा रहे हैं हम 12 खंबा मेट्रो स्टेशन से बदलेंगे। चल ठीक है, तो दीपक और आदि ने मेट्रो ये ऑटो कर लिया है, अब जा रहे हैं, मिलेंगे। चल बाय बाय। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और मतलब इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है कि यहाँ से लोग 12 खंबा जा रहे हैं मेट्रो पकड़ने के लिए। तो मैं और जावेद सर यहाँ से निकल रहे हैं, बबलू भी यहाँ चला जाएगा। तो मतलब काफी अच्छा दिन रहा, और हमारी तरह आप लोग भी मिलते रहिए, आपके फ्रेंड फ्रेंड है तो आप भी मिलिए, भले ही 1 घंटे के लिए मिले 2 घंटे के लिए मिले, लेकिन बड़ा सारी मजा आता है, मिलना चाहिए है ना? बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए, और जावेद सर जाएंगे अपने घर, बबलू जाएगा अपने घर, तो फिर मिलते हैं। ठीक है, दोस्तों फाइनली अभी महाराजी चौक में मैं घूम लिया अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी सब लोग जो है अपने घर चले गए हैं। मेरा अभी एक बैच है 8 बजे से, 8:15 से, तो संडे है, मुझे लाइव भी आना है, तो थोड़ा ट्राई करूँगा मैं रोड से ही, मतलब अभी लाइव आने का, अभी 10 मिनट मेरे पास हैं लाइव में आके, थोड़ा मतलब भले ही 5 मिनट के लाइव आऊँ, लेकिन लाइव आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर संडे को रात को 8 बजे मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पर। अभी थोड़ा मैंने इंस्टाग्राम पर भी ट्राई किया था लाइव आने का, थोड़ा बहुत हो गया उस पर भी। तो फिर 8:15 में ना बैच करेंगे, और जो बैच है उसके वो करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, ओके। तो दोस्तों फाइनली बैच हो चुका है, और मैं लाइव भी आ गया इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। तो अभी का क्या सीन है कि मैं अभी जा रहा हूँ घर, टाइम हो गया 9:20, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लाइट आ रही थी, सोचा कि यही रिकॉर्ड कर लेता हूँ आज। ये स्टैंड है अपना पंचर इनक्लेव का, तो घर पहुँचाऊंगा मैं करीबन 10:30 पे, बिकॉज रोड काफ़ी खाली हो चुका है, 9:30 का टाइम हो चुका है, तो रोड भी काफ़ी खाली है, तो जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तो अभी घर जाके रिकॉर्ड करनी है 2 मेन चैनल के लिए वीडियो, और ब्लॉग को कंप्लीट करना है। सो मुझे लग रहा है कि आपको ब्लॉग तो बड़ा पसंद आएगा आज का, तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, अभी घर चलते हैं, और घर चल के फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है, सो लेट्स गो। सो दोस्तों फाइनली आज का पूरा ब्लॉग शूट हो गया, मैं राजीव चौक भी गया था, मैं क्रांट क्लिप्स भी गया हुआ था, फिर बैचवाड़ाने भी गया, सब कुछ मैंने ट्राई किया आपको दिखाने का। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको आज का ब्लॉग देखने में कैसा लगा, आप बताइए। क्या आप भी अपने दोस्तों से ऐसे मिलने जाते हैं, या फिर आपको भी अपने दोस्तों से मिले बहुत दिन हो गया है, आप भी अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर। और आपको कैसा लगा दीपक आदि बबलू जावेद सर को देख के, क्योंकि कई दिनों के बाद वो लोग जो हैं व्लॉग में आए थे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग बना रहे थे 365 डेज 365 व्लॉग्स, सारे के सारे व्लॉग्स आप देखिए, एंजॉय कीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एंजॉय कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।